सूबे में सांप्रदायिक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी धर्मांतरण पर दंगल होता है तो कभी लव जिहाद पर विवाद। अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद में विधर्मी शादी पर घमासान मच गया और इसमें सियासत भी कूद पड़ी। सत्ताधारियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया, यहां तक कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। विधर्मी शादी पर जिला गाजियाबाद में संग्राम। डॉक्टर दंपत्ति के रिसेप्शन में सियासी बवाल। मियां बीवी राजी, हिंदूवादी बनने लगे काजी। जी हां, गाजियाबाद में हिंदू और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जोड़े की शादी हो गई। दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और अपना भला बुरा सोचने में सक्षम, लेकिन धर्म के आधार पर सियासी रोटियां सेकने वालों को ये रास नहीं आया और नौ दंपत्ति के रिसेप्शन में हंगामा करने पहुंच गए। ये हंगामा करने वाले लोग कोई और नहीं, सत्ताधारी पक्ष से जुड़े लोग थे जिन्होंने कानून हाथ में ले लिया। माहौल ज्यादा खराब हुआ तो पुलिस बुलानी पड़ी और लाठी चार्ज करना पड़ा। यहां तक कि आईजी और डीआईजी मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद के पौश इलाके राजनगर में एक शादी को रुकवाने के लिए उन्होंने विरोध किया है और इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए जो हिंदू संगठन है वो पूरी तरीके से समाज का ठेका उन्होंने अपने हाथ में लेते हुए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हैं। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है, पुलिस के रोकने के बावजूद ये लोग काबू में नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर इस शादी का विरोध कर रहे हैं। इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इस रिसेप्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो परिवार है दोनों, उन दोनों ने रजामंदी के साथ शादी की है और आज यहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन जिसमें उन्होंने अपने परिवार के खास लोगों को बुलाया था वो यहाँ पर शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठनों के नेतृत्व में समाज का ठेका अपने ऊपर लेते हुए यहाँ जोर आजमाइश देख सकते हैं। पूरा मसला कवि नगर के राजनगर इलाके में हो रही रिसेप्शन पार्टी में घटित हुआ। कहा जा रहा है कि ये सब स्थानीय नेताओं ने सियासत चमकाने के लिए किया। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में जल्द ही फेरबदल की अटकलें हैं जिसमें कई जिला अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सांगठनिक फेरबदल की खबरों के बीच कार्यकर्ताओं को उन्माद की आग में कौन झोंक रहा है।